अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ऑथेंटिक फूड वैल्यूज़। आज हम बनाएंगे बीफ फतायन। उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैं टू मीडियम साइज पनियन मैंने चॉप की हुई है, 5-6 ग्रीन चिलीज हैं जो मैंने चॉप कर लिए हैं, ये 1/2 इंच जिंजर है इसको भी मैंने चॉप किया हुआ है, और ये 5-6 गार्लिक क्लोव्स हैं इसको भी मैंने चॉप कर लिया है, एंड ये है 3 मीडियम साइज टमाटो उसको मैंने चॉप कर लिया। अब हम और इसके लिए 1/2 kg से थोड़ा कम, 400 ग्राम्स या 450 ग्राम्स होगा मिन्स बीफ का मिन्स है, इसको मैंने यहाँ पे वॉश करके रख लिया है, ड्राई कर लिया। अब हमने पैन लिया है, इसमें हमने ऑयल हीट कर लिया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अनियन, मैंने इसमें ऐड कर ली है अनियन, थोड़ा फ्राई होने देंगे 2 मिनट। अब इसमें हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक, मैंने जिंजर गार्लिक भी ऐड कर लिया है, और हम इसको मीडियम हीट पर लाइट फ्राई करेंगे। हमारे अनियन जो है ट्रांसलेशन हो चुके हैं, हमें गोल्डन नहीं करना है, तो मतलब ब्राउन नहीं करना है, लाइट गोल्डन रखना है। इस पॉइंट पर हम इसमें मिन्स ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, इसको को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, इसमें अपना पानी रिलीज किया है, इसमें इसको हम सॉल्ट ऐड करेंगे, 1 टीस्पून ही फुल स्पून लिया है, इसको ऐड कर दिया, इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको इसी के पानी में और इसमें 1/2 ग्लास ऑफ वाटर डालेंगे हम, पहले इसको अच्छे से मिक्स कर पानी को थोड़ा सा ड्राई कर लेते हैं। ड्राई होने के बाद हम इसमें 1/2 ग्लास वाटर ऐड करेंगे इसमें, इससे पानी ड्राई हो गया है, इसको 5 मिनट तक पकाया है, 5 मिनट तक और इसका ऑलमोस्ट पानी ड्राई हो गया है। फ्राई करने के बाद इसमें 1 ग्लास ऑफ वाटर ऐड करने जा रहे हैं, 1 ग्लास ऑफ वाटर इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं 10 मिनट तक इसको पका लिया था, इसलिए अच्छे से गर्म हो जाए, कवर करके पानी जो हमने 1 ग्लास डाला था उसमें ऑलमोस्ट पक गया है। अब इसे हम ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज जो मैं चॉप की हुई थी, और मिर्ची के साथ इसमें टमाटोज भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करके हमें फिर से 10 मिनट्स के लिए इसको पकाना है। टमाटर हमें गलाने नहीं है, बस ये कि मिक्स हो जाए, सॉफ्ट हो जाए, बस इसको रेडी हो जाएगी। फिर इसको मिक्स कर हमें कवर करके रख देना है, इसमें पानी है पहले ऐड नहीं करना है, बस ये टमाटर का जो पानी निकलेगा उसी में ये पक जाएगा, तो कवर करके फिर 10 मिनट्स के लिए पकाना है। ठीक है, अब हमारी फ्लेम ऑलमोस्ट रेडी है,
टमेटो भी सॉफ्ट हो चुके हैं, हमें पूरी तरीके से बनाना नहीं है ना, एकदम डिजॉल्व नहीं करना उसको, पूरा थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए, सॉफ्ट हो जाए तब दिखना चाहिए, मैश नहीं करना चाहिए। ड्राई हो गया है पूरा, इसे हम ठंडा होने रख देंगे, रेडी हो गया। ठंडा होता है तब तक हम इसकी ब्रेड तैयार करते हैं, बताया जाए। हमारा मिक्स रेडी हो चुका है, तो हम बॉल्स बना लेते हैं। मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ इसका डो बनाना, तो मेरे पास ये डो ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। ये मैंने बॉल्स लिए, इतना साइज लिया होगा, इस साइज की बॉल्स ली थी मैंने, इसे रेडी करके रखी है। अब आप इसको ऐसे फ्लैट करें, आप रोलिंग पिन से कर सकते हैं या ऐसे हाथ से भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। थोड़ा सा ऑयल लगा लें सरफेस पर जिसपे आप बना लें, इस तरह इसको फ्लैट कर लें ओवल शेप में। रोलिंग पिन से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, इतना ज़्यादा ठीक नहीं करना। मैं आपको एक बता देती हूँ इस तरह बनाना है, आपको फिलिंग्स पे डालना होगा। मैंने ओवन को बेक प्री हीट पर कर दिया है 180 डिग्रीज पर, प्री हीट होने रख दिया है। अब आप ये तैयार हो गई, इसी तरह आप जितनी चाहें बनाएं, मैंने 5-6 बना लिए हैं। उस पर आप ये कलौंजी के थोड़ा थोड़ा सा स्प्रेड कर दें सब पर, और इसको बेक होने के लिए रख दें। मैं जब तक ट्रे में इसको रेडी करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने देखिए सारे बना लिए हैं, और मैंने ट्रे को ऑयल किया था, स्प्रे कर लिया था ऑयल को, और उस पर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट कर लिया, और ये सारे टायर मैंने रेडी कर लिए हैं। तो मैंने कलौंजी लगाई है, और अब ये एग वॉश कर रही हूँ इनको। ये देखिए बेक होने के बाद ये कुछ इस तरह रखेंगे, माशाल्लाह बहुत अच्छे बने हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाएँ, ट्राई करें, एक बार तो ज़रूर बनाएँ, और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।